विदिशा में रविवार दोपहर आबकारी विभाग ने अवैध शराब का जखीरा जब्त किया। बरामद शराब की कीमत 1 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी अतुल सिंह ने कहा कि करावियर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पीपलखेड़ा और लश्करपुर रोड पर कार को रोका। कार से 2 व्यक्ति चाटोली को गिरफ्तार किया। कार की डिग्गी में 20 पेटी देशी अवैध शराब जब्त की गई। सीएसपी ने बताया कि दोनों आरोपी रायसेन निवासी जितेंद्र तोमर से शराब लेकर आए थे। देखिए, कल सूचना प्राप्त हुई थी रात को कि एक सफेद कार जो है उसमें अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है और रायसेन तरफ से आ रही है। थाना प्रभारी करारिया सूचना प्राप्त होने के बाद में उनने फोर्स इकट्ठा किया और नाकेबंदी की। नाकेबंदी में एक सफेद कार उनको मिली, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने जब गाड़ी को चेक किया तो उसमें 20 पेटी शराब निकली, उसमें 10 पेटी जो है क्लीन थी और 10 पेटी जो है मसाला थी। 2 लोग थे उसमें, रामू राय और मनीष लावरिया। उनसे वैध परमिट की मांग की गई, उनका परमिट नहीं था, अंततः उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और जब उनसे पूछा गया कहाँ से लेके आए तो उन्होंने एक नाम बताया, डिटेलिंग कॉमर का, जो रायसेन से लेके आए उसको भी नामजद किया गया। दोनों के खिलाफ अपराधी प्रकरण पंजीकृत किया गया है। रामू अब आत्मन अपराधी है, इससे पहले भी एक शराब पकड़ी गई थी, अब दोबारा कार्रवाई की गई।